फ्रेंड्स, जिन्होंने 2022 में इंटर 12th क्लास पास किया है तो क्या वे 2022 में ही डीएलएड कोर्स कर सकते हैं? ये वीडियो फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। वे स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में ही अपना जो है 12th क्लास पास किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर हमने 2022 में अपने डीएलएड कोर्स किया है तो क्या इसी साल जो है हम डीएलएड के फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी एडमिशन स्टार्ट होता है तो उससे 15 से मतलब 20 दिन पहले जो है हर साल फ्रेंड्स एक जो है प्रोस्पेक्टस अपलोड किया जाता है, और उसमें जो है ना डीएलएड के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है वो सभी आप समझ लीजिए। देखिए, कुछ भी अगर बदलाव किया जाता है, जैसे कि एज से रिलेटेड या एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, कोई सिलेबस से रिलेटेड, या फिर उसमें जो है जो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड अपना 12th क्लास जो है इंटर 2022 में पास किया है तो क्या वो 2022 में ही डीएलएड कोर्स कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है। अब फ्रेंड्स इस चीज़ को समझिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 2022 में जिन्होंने अपना इंटर पास कर लिए हैं तो क्या वो 2022 में ही डीएलएड कोर्स कर सकते हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो डायट होते हैं, डायट के कोऑर्डिनेटर होते हैं, चाहे वो बीएससीबी का जो ऑफिशियल साइट होता है, तो बीएससीबी द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो वो प्रोस्पेक्टस में हर साल जो है अपलोड किए जाते हैं, ऑफिशियल साइट पे नहीं बताया जाता, प्रोस्पेक्टस में ही लिखा हुआ होता है। तो जब वो प्रोस्पेक्टस अपलोड किए जाएंगे डाइट के ऑफिशियल साइट पे या फिर बीएससीबी के ऑफिशियल साइट पे, तो हमें उसी से पता चल पाएगा। अब आपके पास क्या चांस है जिन्होंने अपना इंटर जो है 2022 में किया और 2022 में वो डीएलएड करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें तो हमें 10 से 15 दिन पहले ही पता लग पाएगी। बट फ्रेंड्स, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप जो है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ के पास में जो भी डाइट कॉलेज है, ठीक है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, डाइट जो होता है ये गवर्नमेंट कॉलेज होता है, तो पास के आप डाइट कॉलेज पता कीजिए और वहां पर जाकर प्लीज एक बार जाकर जो है आप कंफर्म कर लीजिए। क्योंकि यहां पर भी जो है ना, जब भी कोई बदलाव किया जाता है तो सबसे पहले डाइट के जो भी प्रिंसिपल होते हैं, वहां के सर होते हैं, उनको ही पता चलता है, ठीक है। तो एक बार जरूर जाकर आप पता कीजिए जिन्होंने अपना जो है इंटर 2022 में पास किए, तो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है इनके बारे में पता चल जाएगा। और जब भी एडमिशन स्टार्ट होता है तो उससे पहले जो है प्रोस्पेक्टस अपलोड कर दिया जाएगा, तो मैं भी आपको उसके थ्रू जो है रीड करके मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने भी जो है काफ़ी बार जो है इन्फॉर्म किया है, काफ़ी बार जो है मैंने कॉल भी किया, बट कॉल जो है उठाते नहीं है वो लोग। अब इस चीज़ को आप समझिए, मान लीजिए फ्रेंड्स, मान लीजिए मुझे नहीं पता है, और इस साल मान लीजिए कोई चेंजेस हो जाता है, और मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है नहीं कर सकते हैं, बट इस साल मान लीजिए चेंज हो जाता है और वे स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में अपना जो है अपना इंटर पास किया है, और वो 2022 में अगर रूल्स चेंज हो जाते हैं और प्रोस्पेक्टस में अपडेट कर दिया जाता है कि जिन्होंने 2022 में अपना इंटर पास किया है वो भी डीएलएड कर सकते हैं, 2022 में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में फिर फ्रेंड्स क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हम जो है कोई भी, देखिए हमारे पास अगर जो इन्फॉर्मेशन है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं, कोई भी अपनी तरफ से हम इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो है स्टूडेंट के कैरियर से रिलेटेड होता है, कोई भी हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तभी हम शेयर करते हैं, अगर नहीं है तो उसको नहीं शेयर करते, क्योंकि फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन जो है यूट्यूब के थ्रू काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास जाता है। अब मान लीजिए 2022 के सेशन में कोई बदलाव होता है और हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मान लीजिए हम कुछ बता देते हैं आपको, तो अगर 2022 में कुछ चेंजेस होते हैं तो इस सिचुएशन में फिर फ्रेंड क्या होगा, जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उसके कैरियर के साथ क्या होगा, आप समझ सकते हैं ना। तो इसलिए अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगा तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने आपको तरीका बताया है कि आप अपने पास के डाइट में जाकर जरूर वहां पर आप एक बार पता कर लीजिए, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी तक तो इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, प्रोस्पेक्टस आएगा तो मैं उसमें चेक करके बता दूंगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जाकर जरूर एक बार जो है पता कीजिए अपने पास के डाइट के कॉलेज में। अब फ्रेंड्स ये वीडियो में मैंने बताया था कि इस वीडियो में मैंने जो है ना कॉल रिकॉर्डिंग जो है अटैच किया था, मैंने जो है सीतामढ़ी के प्रिंसिपल सर से बात किया था वहाँ पर एडमिशन के रिगार्डिंग कि क्या एंट्रेंस एग्जाम होंगे सर या नहीं होंगे, तो उन्होंने बताया कि अभी जो है इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, आप जो है ऑफिशियल साइट को चेक करते रहिए, ठीक है। तो बाकी फ्रेंड्स आपको पता ही है कि कॉल जो है वो बहुत मुश्किल से उठा पाते हैं, ठीक है, और जैसे ही एडमिशन जो स्टार्ट होने के चांसेस है वो आपके अप्रैल के सेकेंड वीक से है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।